हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जी रामपाल। आज दी वीडियो विच असीं आयल स्पीकिंग पार्ट वन जां थ्री विच क्वेश्चन जो पूछे जांदे हन उन्हां विच कंट्री जां होम कंट्री बारे गल करांगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योर कंट्री। आई लिव इन इंडिया। इट्स अ लैंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड रीजन्स। देर आर मैनी इनक्रेडिबल थिंग्स अवेलेबल इन माई कंट्री। People from far and wide come here for so many purposes like trading, tourism and education. I always feel proud of my country. I live in India. Main India ch rehnda ha. It's a land of different reasons and religions. Eh vakh vakh tarah de different vakh vakh tarah de khetar ate dharm han. There are many incredible things available in my country. सो मेरे देश में बहुत सारे इनक्रेडिबल चीज़ा ने, वेखण योग चीज़ा ने। पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड, सो दूर दराडे तो, फार एंड वाइड मीन्स दूर दराडे तो, कम हेयर फॉर सो मैनी परपजस, बहुत सारे परपजस लई इत्थे आउंदे हन, जिवें कि ट्रेडिंग करन जां टूरिज्म जां एजुकेशन पढ़न वास्ते आउंदे हन। आई ऑलवेज़ फील प्राउड ऑफ माई कंट्री। मैं हमेशा अपने देश ते माण करदा हाँ। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हाँ। वेयर इज़ योर कंट्री लोकेटड। भी तुहाडा कंट्री, तुहाडा देश कित्थे लोकेटड है, स्थित है। माई कंट्री इज़ अ सब कॉन्टीनेंट ऑफ एशिया। मेरा देश एशिया का एक उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टीनेंट। इट इज़ सराउंडड विद स्मॉल कंट्रीज। एक घिरया होया है छोटे छोटे देशों के नाल, जिवें कि पाकिस्तान, बंगलादेश एंड नेपाल। वी हैव लार्ज बाउंड्रीज विद चाइना ऑलसो। साड़ी बहुत लंबी या वड्डी बाउंड्री है, सरहद है विद चाइना ऑलसो, चाइना के नाल भी। द साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ अ लोंग कोस्टल लाइन। तो साउथ पार्ट दे विच देश दे एक लंबी तटवर्ती लाइन है, सीमा है। विच पार्ट ऑफ द कंट्री डू मोस्ट पीपल लिव इन, कि केड़े भाग विच देश दे ज़्यादा लोग रहिंदे हन। वी आर एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनमी। असी एक खेतीबाड़ी प्रधान इकोनमी नाल संबंधित हाँ। अबाउट 70% पॉपुलेशन लिव इन इंडिया। लगभग 70% लोग लिव इन विलेजिस, वो पिंडां च रहिंदे हन। ड्यू टू मोर अमेनिटीज़ आर अवेलेबल इन द सिटीज़, क्योंकि जा करके, ड्यू टू मीन्स करके जां क्योंकि, बहुत सारिया सहूलत अमेनिटीज़ अवेलेबल इन सिटीज़। शहरों के बहुत सारिया सहूलत अवेलेबल ने, इस करके पीपल हैव स्टार्टड अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स सिटीज़। सो ताई करके लोग जिहड़े आ उन्होंने शुरू कर दिता है अट्रैक्ट होना सिटीज़ वल। वैल, देयर आर सो मैनी इंडस्ट्रीज दैट आर एप्लीकेबल इन माई कंट्री, बट ऑफ ऑल दीज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर विनिंग लॉरल्स। प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन, वीट, राइस एक्सेट्रा आर बीइंग एक्सपोर्टेड इन लार्ज क्वान्टिटी। आईटी इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो डूइंग वैल। सो देयर आर सो मैनी इंडस्ट्रीज दैट आर एप्लीकेबल इन माई कंट्री। सो बहुत सारिया इंडस्ट्रीज ने जिहड़ियां साडे देश विच हैगियां ने, बट ऑफ ऑल दीज सारिया दे विचों एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जिहड़ी आ, खेतीबाड़ी ते जो इंडस्ट्री लगी है, विनिंग लॉरल्स, वो ज़्यादा नामना खट रही है। प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन, जिवें कि प्रोडक्ट्स रूं, वीट, कणक, राइस एटसेट्रा आर बीइंग एक्सपोर्टड, वह एक्सपोर्ट किए जाते हैं इन लार्ज क्वान्टिटी, वड्डी मात्रा विच। आई टी इंडस्ट्रीज ऑलसो डूइंग वैल। आई टी इंडस्ट्री भी बहुत वधिया कारगुजारी कर रही है। वट आर सम ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट लिविंग इन योर कंट्री। सो केड़ियां केड़ियां चंगियां चीज़ां ने कि तुहाडे देश विच रहा जाए। सो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ रिलीजन्स। साडा धर्मां दा देश है, वक्ख वक्ख धर्म दे लोग इत्थे रहिंदे हन। इट्स ए सैकुलर कंट्री एंड एवरी वन हैज़ अ राइट टू अडोप्ट एनी रिलीजन। सो ये एक सैकुलर धर्म निरपक्ष कंट्री है। यह एक धर्म निरपक्ष कंट्री है जिथे वक् वक् धर्मां दे, यह एक धर्म निरपक्ष कंट्री है। एवरी वन हैज़ अ राइट, हर एक दे कोल राइट है कि वह किसी भी धर्म नूं अडोप्ट कर सकता है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट माई कंट्री। सो यो चीज़ है जो मैं अपने देश की सब तो वध पसंद करता हाँ। डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ योर कंट्री, कि तुसी अपने देश की हिस्ट्री जानते हो। इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन्स लिव हेयर।
Due to its prosperity and richness, many invaders came here to loot my country, but our people fought back bravely to protect our land. We got independence in 1947. Since then, our country is progressing by leaps and bounds. So India is one of the oldest civilization. ਵੀ ਭਾਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ. ਪੀਪਲ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਸਟ, ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ, ਕ੍ਰੀਡ ਨਸਲ ਦੇ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲਿਵ ਹੇਅਰ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਡਿਊ ਟੂ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਰਿਚਨੈਸ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੀ ਇਨਵੇਡਰਸ ਕੇਮ ਹੇਅਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਵੇਡਰਸ, ਧਾੜਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਟੂ ਲੂਟ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ. ਬਟ ਆਰ ਪੀਪਲ ਫੋਟ ਬੈਕ ਬਰੇਵਲੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ. ਫਾਈਟ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਹੈ ਫੋਟ. ਦੈਮ ਬਰੇਵਲੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਲੈਂਡ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ. ਵੀ ਗੋਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਇਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਿੰਸ ਦੈਨ ਆਰ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੰਗ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਲੀਪਸ ਐਂਡ ਬਾਉਂਡਸ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਵਿਲ ਯੂ ਸਟੇ ਇਨ ਯੂਅਰ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹੋਗੇ? ਯੈਸ, ਵੈਲ ਆਈ ਐਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਪਰਸਿਊ ਮਾਈ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਬਰੋਡ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਬਰੋਡ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਲੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸਰਵ ਮਾਈ ਲੈਂਡ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗਾ ਆ ਕੇ. ਆਲ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਰੈਲੇਟਿਵਸ ਆਰ ਹੇਅਰ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰੈਲੇਟਿਵਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਮੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਆਈ ਆਲਸੋ ਫੀਲ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ. ਆਈ ਕੈਨ ਫਾਇੰਡ ਅ ਜੋਬ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਡੂ ਬੈਟਰ ਹੇਅਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਬਾਊਟ ਕੰਟਰੀ. ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ. ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ. ਥੈਂਕ ਯੂ.